नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षद द्विवेदी। फ्रेंड्स, तो मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। यहां पे बात करने वाला हूं फ्रेंड्स मैं प्लैंकटॉन्स के बारे में। प्लैंकटॉन्स क्या होते हैं आपने टाइटल में देख ही लिया होगा। जब प्लैंकटॉन्स की बात होगी तो इनको दोनों सब क्लासिफिकेशन की बात होगी, फाइटो प्लैंकटन की भी बात होगी, जू प्लैंकटन की भी बात होगी। हालांकि एक बात याद रखिएगा फ्रेंड्स कि प्लैंकटॉन के टाइप्स में केवल फाइटो प्लैंकटॉन और जू प्लैंकटॉन नहीं आते हैं, बैक्टीरियो प्लैंकटॉन भी आते हैं, वीरियो प्लैंकटॉन भी आते हैं। बैक्टीरियो प्लैंकटॉन बैक्टीरियाज होते हैं, वीरियो प्लैंकटॉन वायरसेस होते हैं। और ये दोनों सब टाइप्स प्लैंकटॉन्स के अच्छे नहीं होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बैक्टीरिया और वायरसेस हैं इनमें। अब बैक्टीरिया कुछ अच्छे भी होते हैं, कुछ खराब भी होते हैं, तो उसमें ना जाते हुए हम लोग ओरिजिनल टॉपिक पे फोकस करते हैं। प्लैंकटॉन्स समझेंगे, प्लैंकटॉन्स होते क्या है उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन। प्लैंकटॉन्स होते हैं ड्रिफ्टर्स। ड्रिफ्टर्स का मतलब क्या हो गया कि ये स्विम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये वाटर के करंट के साथ, वाटर के फ्लो के साथ ये घूमते रहेंगे, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे, पर इनके अंदर खुद स्विम करने की काबिलियत नहीं है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में पाए जाते हैं। अब वो एक्वेटिक इकोसिस्टम फ्रेश वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, वो मरीन वाटर इकोसिस्टम भी हो सकता है, यानी कि वो जमीन की लेक पॉन्ड भी हो सकती है, नदी भी हो सकती है, वो समुन्दर भी हो सकता है, ओशन भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। तो इनको ड्रिफ्टर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्विम नहीं कर सकते, अपने आप से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, ठीक है। तो टाइड आ गई, करंट्स आ गए, बाकी चीजों के हिसाब से ये एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे। तो ये होते हैं प्लैंकटॉन। प्लैंकटॉन में आपका एल्गी भी आता है, जिसको आप फाइटोप्लैंकटन बोल सकते हो। तो ये जो फाइटोप्लैंकटन होते हैं, ये होते हैं प्लांट्स। अगर आप जू प्लैंकटॉन की बात करोगे तो वो होते हैं एनिमल्स, जैसे कि प्रोटोजोअन हो गया, क्रस्टेशियंस हो गया। तो दोनों चीजें हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है। अब अगर बात करें फ्रेंड्स कि प्रोडक्टिविटी है जो प्लैंकटॉन की, वो कहाँ ज्यादा होती है, तो देखिए जो प्रोडक्टिविटी है प्लैंकटॉन्स की, जो उनकी डाइवर्सिटी है, जो उनका ग्रोथ रेट है, वो ट्रॉपिकल वाटर्स में ज्यादा होता है, स्पेशली इन मैनग्रोव वाटर्स, ठीक है। तो मैनग्रोव वाटर्स में, ट्रॉपिकल वाटर्स में जो इनकी प्रोडक्टिविटी होती है वो ज्यादा होती है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फाइटोप्लैंकटन की। फाइटोप्लैंकटन की अगर बात करोगे फ्रेंड्स, तो दो शब्दों से मिलकर बनाया, फाइटो और प्लांकटन, ठीक है। प्लांकटन तो आपको पता ही है, ड्रिफ्टर, जो एक जगह से दूसरी जगह वांडर करते रहते हैं। और फाइटो का मतलब क्या होता है, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। तो ये जो फाइटो प्लांकटन होते हैं ना, ये एक्चुअली में प्लांट होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं फ्रेंड्स। तो जैसे कि आपको पता है कि अर्थ पे जो हमारे प्लांट होते हैं वो हमारी फूड वेब का बेस बनाते हैं, क्योंकि उन प्लांट्स को डियर खाएंगे, एनिमल्स खाएंगे, डियर को फिर लॉयन खाएगा, लॉयन इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा। तो समुन्दर में जो बेस लेवल पे प्लांट ऑर्गेनिजम्स आते हैं वो फाइटोप्लांकटन होते हैं। बट यहां पे याद रखिएगा, फाइटोप्लांकटन्स आर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, एक नेकेड आई को ये नजर नहीं आएंगे, ठीक है। कुछ फाइटोप्लांकटन बैक्टीरिया होते हैं, कुछ प्रोटिस्ट होते हैं, कुछ सिंगल सेल प्लांट होते हैं, तो साइनोबैक्टीरिया भी आता है इसमें। तो साइनोबैक्टीरिया इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फाइटोप्लैंकटन। साइनोबैक्टीरिया का अक्सर का नाम सुना होगा, इसको आप एल्गी भी बोलते हैं, कुछ प्रोटिस्ट हैं। तो अलग अलग तरीके की चीजें आपको नजर आएंगी। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फाइटोप्लैंकटन के बारे में याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आप बात करें कि जितने भी प्लांट्स पूरी दुनिया में जो प्लांट है ना, वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि वो कार्बोहाइड्रेट्स के प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो फाइटोप्लैंकटन है, इनके अंदर भी ताकत है कि वो फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर सकते हैं। पूरी दुनिया में प्लांट से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है 50% से ज्यादा, यानी लमसम 60%, अराउंड 60% जो पूरी दुनिया में ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है, वो उसका 60% फाइटोप्लांकटन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो फाइटोप्लांकटन आर कंट्रीब्यूटिंग अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द ऑक्सीजन प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द प्लांट्स, मतलब जो जमीन पे भी है और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में भी है। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि ये जो फाइटोप्लांकटन है, इन फाइटोप्लैंकटन के अंदर फ्रेंड्स एक चीज होगी, और वो क्या होगी, वो होगी क्लोरोफिल। तो ये जो फाइटोप्लैंकटन की हमने बात की, इन फाइटोप्लैंकटन में क्लोरोफिल होगा। अभी याद रखिएगा कि प्लैंकटन के सब टाइप फाइटोप्लैंकटन की बात कर रहा हूं मैं, अभी मैं जू प्लैंकटन पे नहीं पहुंचा हूं, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वो आपको इस पीपीटी में नहीं मिलेगा, आप हल्के फुल्के नोट्स बनाते रहिए। तो जो प्लांट सब क्लासिफिकेशन है प्लैंकटॉन्स का, जिसको आप फाइटोप्लैंकटन बोलते हैं, उसके अंदर क्लोरोफिल होता ही है। वो सनलाइट की मदद से फोटोसिंथेसिस करके
खाना बना सकता है। इस प्रोसेस में वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, समझ गए। अब खास बात फ्रेंड्स यहां पे हो गई कि अगर इसको सनलाइट की जरूरत है तो फाइटोप्लैंकटन को इस प्रोसेस को यानी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को पानी की उन लेयरों में जाके करना होगा जहां पे एप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ लाइट पहुंच रही है। और आपको पता है इसको फोटिक जोन में जाना पड़ेगा और फोटिक जोन के भी ऊपर पार्ट में, यानी कि इसको सरफेस ऑफ द वाटर के पास जाना पड़ेगा जहां तक सनलाइट आ पाती है, तो सनलाइट लेगा, क्लोरोफिल इनके अंदर है, पानी से ये कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और फिर ये प्रोड्यूस करेगा क्या, अपना खाना, प्लांट्स का खाना, और फिर इन प्लांट्स को बाकी लोग खा के पूरी की पूरी इक्वेटिक फूड चेन चलेगी। तो पूरी की पूरी जो इक्वेटिक फूड चेन होती है फ्रेंड्स वो आपके डिपेंड करती है इन फाइटोप्लैंकटन्स के। तो ये जो माइक्रो एल्गी है जिनको आप फाइटोप्लैंकटन समझ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं, जितना भी लाइटेड एरिया है वहां पे ये प्लैंकटन्स आपको मिलेंगे। और अगर आप इन प्लैंकटन्स की बात करोगे ना फ्रेंड्स, तो इनका जो टोटल बायोमास होता है ना, इट इज मेनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ द टोटल प्लांट्स ऑन द लैंड। यानी लैंड पे जितने प्लांट का बायोमास है, आपको लैंड पे प्लांट्स नजर आते हैं, उनका जो बायोमास है इनके बायोमास से कई गुना बायोमास इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फाइटोप्लैंकटन्स का होता है जो कि आपको पानी की सरफेस के अंदर मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको एक समझ में आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन्स क्या होते हैं, ठीक है, यहां पे आपको समझना होगा। यहां पे भी एक स्लाइड है, इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए प्लैंकटोनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये बहुत अबंडेंट लाइफ फॉर्म है अर्थ पे, मरीन फूड चेन में ये एक बहुत क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। प्लैंकटन के बिना लिविंग ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे अर्थ में। ग्रेट बैरियर रीफ भी प्लैंकटन्स की वजह से ही बनी है, बहुत हद तक है। प्लैंकटोनिक ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे एनिमल खाते हैं, बारनेकल्स, छोटी फिशेज, लार्ज फिशेज, वेल, ये सब लोग प्लैंकटन को ही खाते हैं। ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अब हम लोग आ जाते हैं अपने ओरिजिनल टॉपिक पे जो कि है जूप्लैंकटन। अब ये जूप्लैंकटन क्या है फ्रेंड्स, जूप्लैंकटन की अगर बात की जाए तो देखिए जूप्लैंकटन भी एक वाइटल रोल प्ले करते हैं फूड वेब में, और एक्चुअली में ये एनिमल्स होते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में ये बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम प्राइमरी प्रोड्यूसर्स टू सेकेंडरी कंज्यूमर्स लाइक फिशेस। अभी देखिए प्राइमरी प्रोड्यूसर यहाँ कौन है, प्राइमरी प्रोड्यूसर तो भाई फाइटोप्लैंकटन है ना, फोटोसिंथेसिस करने की ताकत तो फाइटोप्लैंकटन के पास है, तो फाइटोप्लैंकटन ने फोटोसिंथेसिस की, खाना प्रोड्यूस किया, उसके बाद उसको खाएगा कौन, उसके बाद उसको खाएंगे जूप्लैंकटन्स, और जूप्लैंकटन्स जब उसको खाएंगे और फिर जूप्लैंकटन्स को बाकी कंज्यूमर्स खाएंगे, और इस तरीके से जो फूड चेन है वो ऊपर उठेगी, ठीक है। तो जो जूप्लैंकटन्स होते हैं वो डिसाइड करेंगे कि किसी एक जगह पर फिश स्टॉक कितना है, ठीक है, किसी एक जगह पे फिश स्टॉक कितना है। तो आप समझ जाइए फ्रेंड्स कि जूप्लैंकटन हैव अ मेजर रोल, फाइटोप्लैंकटन पैदा करेंगे खाने को, और जूप्लैंकटन छोटे मरीन क्रिएचर्स हैं। दी जूप्लैंकटन्स दे ईट फाइटोप्लैंकटन। जूप्लैंकटन होते क्या क्या हैं, तो जूप्लैंकटन छोटे मरीन क्रिएचर्स होते हैं, जैसे कि आपका प्रोटोजोइस्ट हो गया, फिर मैंने आपको बताया था जो छोटे माइक्रोस्कोपिक क्रस्टेशियंस हो गए, ये जूप्लैंकटन्स में आते हैं। जूप्लैंकटन्स को कौन खाता है, जूप्लैंकटन्स को बड़े फिशेस क्रस्टेशियंस ये खाते हैं, इन बड़ी फिशेस और क्रस्टेशियंस को और बड़ी फिशेस खाती हैं और दूसरी लार्जेस्ट फिशेस खाती है। तो फाइटोप्लैंकटन ने प्राइमरी लेवल पे खाना प्रोड्यूस किया, उस खाने को जूप्लैंकटन ने खाया, जूप्लैंकटन को दूसरे चीजों ने खाया। तो सबसे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ऑपरेट कर रहा है फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन से थोड़े बड़े हो गए जूप्लैंकटन, क्योंकि वो फाइटोप्लैंकटन को पाएंगे। जूप्लैंकटन को छोटी मछलियां, बड़ी मछलियां, वेल, हर कोई खाएगा, इन छोटी मछलियों, बड़ी मछलियों को और बड़ी मछलियां खाएंगी, और इस तरीके से पूरी की पूरी ट्रॉफिक चेन चलेगी एक्वेटिक एनवायरमेंट के अंदर। समझ में आई ये बात फ्रेंड्स, तो आपको समझ में आना चाहिए कि जो प्लैंकटन्स होते हैं, चाहे वो फाइटोप्लैंकटन हो चाहे वो जूप्लैंकटन हो, सॉल्ट वाटर में भी मिलते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपको ये पता करना हो, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं कि किसी एक बॉडी ऑफ वाटर में प्लैंकटन पॉलिश प्लैंकटन की क्वांटिटी कितनी है, तो आप उस पानी की क्लैरिटी को देखिए। अगर तो देखिए बहुत ज्यादा साफ पानी है तो उस पर प्लैंकटन कम होंगे, ठीक है। अगर वो पानी हल्का सा हेजी है, कहीं कहीं पे हरा हो रहा है, कहीं कहीं पे ब्राउन हो रहा है, तो उसमें आपके प्लैंकटन्स हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक हद से भी ज्यादा एक जगह पे प्लैंकटन नहीं होने चाहिए, क्योंकि एक हद से ज्यादा अगर एक जगह पे प्लैंकटन होंगे तो उसको बोला जाएगा एल्गल ब्लूम, वहां पे एक रेड टाइड आ जाएगी,
बहुत ज्यादा फिशेज मरने लगेंगी, मैरिन इकोसिस्टम को काफी प्रॉब्लम होगा। इसके साथ एक टर्म एसोसिएटेड होता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन के बारे में मैंने पहले भी समझाया है, मेरी इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की प्लेलिस्ट में यूट्रोफिकेशन की वीडियो अवेलेबल है, आप एक बार जाके उसको जरूर देखें फ्रेंड्स। और इसके साथ साथ नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दिया है जहां पे मैंने आपको बताया कि भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटोप्लैंक्टन्स के प्रेजेंस में कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये मैंने बताया है। क्योंकि जब फाइटोप्लैंक्टन्स ज्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली ज़ूप्लैंक्टन्स होंगे, और जब ज़ूप्लैंक्टन्स होंगे तो बाकी स्पेशीज होंगे। तो बेस लाइन पे क्या आया, बेस लाइन पे फाइटोप्लैंक्टन आया। तो फाइटोप्लैंक्टन का प्रेजेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, अगर आप ये समझ जाए तो एक मेरीन इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी आप ये समझ जाएंगे। तो उसके लिए मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स, प्लैंक्टन का क्लासिफिकेशन इन फाइटोप्लैंक्टन एंड ज़ूप्लैंक्टन आपको समझ में आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो में कोई सुधार चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं फ्रेंड्स। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अच्छा लगता है जब एफर्ट्स रिकॉग्नाइज होते हैं, वीडियो को लाइक कर देंगे तो उससे मुझे काफी फायदा होगा। यूट्यूब उतने उन वीडियोस को ज्यादा प्रमोट करता है जहां पे ज्यादा लाइक्स और कमेंट्स आते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।